अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साहिन सिस्टर्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साक्षी मार्केट का थोड़ा सा जो भी मैंने लिया है वो व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। और क्योंकि अभी रमज़ान है तो कुछ ना कुछ सामान रह ही जा रहा है, तो थोड़ा बहुत सामान लेना था, उसके लिए मैं साक्षी मार्केट आई हुई थी। और इसके बाद घर जाऊँगी और इफ्तारी की भी तैयारी करनी है मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है और लास्ट में अपनी दो तीन वीडियोस में आपके साथ रानिया यूथ गोल्ड 100% हलाल स्किन के रेंज के प्रोडक्ट्स की रिव्यू शेयर कर रही हूँ, तो आज भी मैं आपके साथ इसके दो अच्छे प्रोडक्ट्स के रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही साथ इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट ज़रूर करना, क्योंकि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पर चल रहा है अप टू 50% सेल इन सारे प्रोडक्ट्स पर। ये रमज़ान ऑफर है, तो प्लीज़ ग्रैब दिस ऑफर नाउ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ रिव्यू करने वाली हूँ रानिया यूथ गोल्ड का स्किन बाउंस एंड लिफ्ट सीरम की। ये जो है ये हलाल प्रोडक्ट्स है सारे, मैं आपको बार बार हर बार रिपीट कर दे रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हलाल सर्टिफाइड है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है और ये अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट्स है सारे। इसकी आउटर पैकेजिंग बहुत ही सुंदर है, चलिए इसे ओपन करके देख लेते हैं। इनर पैकेजिंग भी इसकी बहुत ही अच्छी है, इसका जो बॉटल है बहुत ही अच्छा है और ये ग्लास बॉटल में आता है और आपको दिखेगा कि इसके अंदर ये छोटे छोटे गोल्ड पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे। इसे हमेशा शेक कर ले आप यूज़ करने से पहले। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये वाटर बेस्ड है और पीएच बैलेंस्ड है ये। इट हैज़ हाइड्रेटिंग रिज्यूवनेशन एसेंस दैट लॉक्स इन मॉइस्चर, प्रोवाइड्स इमीडिएट हाइड्रेशन टू योर स्किन और रीस्टोर करता है आपके स्किन के बाउंस को, जो ड्राइनेस कॉज हो जाती है, इलास्टिसिटी लॉस हो जाता है, उन सबको ये बाउंस बैक करता है। और इसमें ट्रिपल गोल्ड यूथ रीस्टोरिंग एक्टिव्स और हाइड्रोलॉनिक एसिड है जो ऑफर करता है इंटेंस मॉइस्चर पावर और ओवरऑल टेक्स्चर देता है हाइड्रेटेड, सपल और लिफ्टेड स्किन आपके प्रोवाइड करता है। बहुत ही अच्छा है, ये ईजिली अब्जॉर्व हो जाता है, मैं आपको अपने हैंड पे रख के लगाकर दिखा रही हूँ। और साथ ही साथ इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ है और देखने में बहुत ही ग्लोई लुक देता है। इसे अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, बस अपने क्लीन फेस पे और नेक पे इसे जेंटली पैट यूज़ करते हुए, हैंड से, फिंगर से पैट यूज़ करते हुए आप आराम से इसे यूज़। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है रानिया यूथ गोल्ड की ये सीसी क्रीम, जो आपको प्रोवाइड करता है 8 आवर्स कलर करेक्टिंग एंड सन प्रोटेक्शन। और इसमें आपको मिलेगा मल्टी फंक्शनल है पहली तो बात तो ये, क्योंकि आपको सन प्रोटेक्शन भी दे रहा है और सीसी क्रीम भी है। बहुत ही लाइट वेट है, नॉन ऑयली है, कलर करेक्टिंग भी एट द टाइम ये आपको प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा। ऐसा नहीं है कि इसके लगाने पे आपकी स्किन ड्राई फील होगी जैसा आम सीसी क्रीम में होता है। साथ ही साथ ये आपको यूवीए, यूवीबी और इंफ्रारेड से भी आपको प्रोटेक्ट करने वाला है और ये आपको देगा एक यूथफुल लिफ्टेड कॉम्प्लेक्शन। बहुत ही अच्छा है ये भी मैं आपको अपने हैंड पर लगा के दिखा रही हूँ। ये भी इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और रानिया के सारे प्रोडक्ट्स की सबसे खास बात ये है ना कि ये स्किन पे आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ अलग से क्रीम लगाया हुआ है या टोनर यूज़ किया हुआ है या सीरम लगाया हुआ, आपको हेवी नहीं लगता है। बहुत ही लाइट वेट है और ईजिली एब्जॉर्ब है आपकी सारी स्किन्स पे। और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, अगेन 100% हलाल है और ये सारे प्रोडक्ट्स आपको अभी अमेजॉन, मिंत्रा और फ्लिपकार्ट पे अप टू 50% ऑफ पे मिल रहे हैं। तो प्लीज़ जाकर इन सारे ऑफर्स को चेकआउट करें और ज़रूर इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करें। कुछ कम नहीं? काफ़ी धूप थी लेकिन भीड़ भी उतनी ही थी मार्केट में। ऑफ कोर्स रमज़ान का महीना है तो लोगों को कुछ ना कुछ तो लेना है, ये ख़रीदारी की ज़रूरत पड़ती है, तो इतनी धूप में भी लोग बहुत ही ज़्यादा तादाद में शॉपिंग कर रहे थे। आपको देखो तब ना हम जहाँ उठाएं वहाँ रखेंगे ना। टाइम अच्छा दिख रहा है ना? आज बन रहा है कीमा का समोसा, ये कीमा तैयार हो चुका है और यहाँ पर ये इसको फोल्ड करने के लिए इसकी शीट्स तैयार हो गई है, अम्मी बेल दी है और ये तो सलाद का सामान है एज़ यूज़ुअल। एक बार अम्मी रेसिपी बता दीजिए कीमा समोसा का, कीमा का कैसे बनाना है? बात नहीं है, कीमा में उबाल करके निकाल लेना है, उसमें हरा मिर्चा, प्याज, धनिया पत्ता डाल देना है और डाल के चला देना है दो बार चम्मच से चलाने के बाद नरम हो जाएगा, उतार लेना। और कोई मसाला नहीं लगता है? नहीं। बॉईल करने में अदरक लहसुन? नहीं, थोड़ा सा देते हैं, एक चम्मच से।
और मैदा को जैसे आप लोग सिंपल गूंथते हैं, थोड़ा सा तेल देके खास्ता करके उस तरह से करना है। अम्मी नारियल समोसा के लिए पूछा हुआ है सबने, नारियल समोसा का रेसिपी एक दिन बनाइएगा। बता दे एक दिन अच्छे से नारियल समोसा बनाएंगे। उस दिन तो अच्छे से नारियल का नहीं दिखा था ना, एक दिन अच्छे से बनाएंगे फिर से नारियल समोसा का। नारियल समोसा इसी टाइप का बनता है, नारियल का खुरच के चीनी में मिला के उसको भून देना है और ठंडा करके उसमें डाल के मोड़ देना है। बस ये नमकीन हो गया, वो मीठा हो जाएगा। तो अब समोसे तल लेती हूँ मैं, पहले समोसे उसके बाद फिर पकौड़ी। बिस्मिल्लाह। तीन का जगह हो जाएगा लगता है। समोसे मैंने फ्राई कर लिए हैं और पकौड़े भी तल चुके हैं, तो ये दोनों ही तैयार हो गया है, इफ्तार का सामान तैयार हो गया। अब चलिए दस्तखान लगा। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है हमारे व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे होंगे। और जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।